स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स कौन से होते हैं। नंबर वन, रेजिडेंशियल डायरेक्टर According to Section 149, bracket 3 of Companies Act 2013, every company should appoint a director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year. दोस्तों, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत और सेक्शन 149 ब्रैकेट 3 के तहत जो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट करते हैं, वो इंडिया में स्टे किए होने चाहिए, जो कम से कम जो टोटल पीरियड है नॉट लेस देन 182 डेज से कम नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे चलेगा जी, उसी को ही वो अपॉइंट कर सकते हैं एज अ रेजिडेंशियल डायरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 इन ब्रैकेट 6, एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर व्हिच इज आल्सो नोन एज होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। तो दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरे डायरेक्टर होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, जो कि सेक्शन 149 के तहत जो कि ब्रैकेट नंबर 6 में है, एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसका ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और वो होल टाइम डायरेक्टर भी उसको कहते हैं और नॉमिनी डायरेक्टर भी उसको कहा जाता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2013, देयर आर द फॉलोइंग कंपनीज व्हिच हैव टू अपॉइंट मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। दोस्तों, जो रूल नंबर 4 है जो कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाया गया है, तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स है जो कि रूल्स बनाए गए हैं 2013 में, जो नीचे मैं भी आपको बताने वाला हूं, उनको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लगते हैं। कौन से किस में लगते हैं दोस्तों 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स? नंबर 1, पब्लिक कंपनीज विच हैव पेड अप शेयर कैपिटल ₹10 करोड़ और मोर। तो दोस्तों, जो पब्लिक कंपनी जो है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, उसको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगते हैं। नंबर 2, पब्लिक कंपनी विच हैव टर्नओवर ₹100 करोड़ और मोर। एक तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर जिसका होता है उसको लगता है 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दूसरा जिसका टर्नओवर ज़्यादा है 100 करोड़ के ऊपर है उनको लगता है 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। Public companies which have total outstanding loans, debenture and deposits of ₹50 crore or more। दोस्तों, जो भी पब्लिक कंपनी जिसका टोटल आउटस्टैंडिंग लोन या डिबेंचर बोल लीजिए या डिपॉजिट 50 करोड़ के ऊपर है, उस कंपनीज को भी 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत होती ही है। उसके बाद है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स कैन अपॉइंट सिंगल डायरेक्टर इन लिस्टेड कंपनी। जो भी छोटे स्मॉल होल्डर्स की कंपनियां होती हैं, ठीक है दोस्तों, वो अपॉइंट कर सकते हैं एक ही डायरेक्टर को, बट This action needs a proper procedure, like handing over
a notice to at least 1000 shares or 1/10 of the total shareholders. दोस्तों इसको भी लेकिन पूरा प्रोसीजर के साथ उनको हैंडओवर करना पड़ता है, एक नोटिस के साथ में एटलीस्ट 1000 शेयर्स उसको देने पड़ते हैं, यहाँ पर 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स। ठीक है दोस्तों, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स में एक सिंगल डायरेक्टर ही लगता है दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ रहा है वुमेन डायरेक्टर। एज पर सेक्शन 149(1)(a), there are certain categories according to which there should be at least one woman as a director on the board. दोस्तों एक सेक्शन जो है 149 के तहत 1A में, उसमें सर्टेन कैटेगरीज में बोर्ड जो है उसमें एक वुमेन एज अ डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। सच कंपनीज आर एनी लिस्टेड कंपनीज और एनी पब्लिक कंपनी हैविंग सच कंपनीज आर एनी लिस्टेड कंपनी और एनी पब्लिक कंपनी हैविंग देयर आर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स वुमेन डायरेक्टर ऑल्सो। कौन से हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। एडिशनल डायरेक्टर, एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर बाय अ कंपनी अंडर सेक्शन 161(1) ऑफ द न्यू एक्ट। एनी इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर बाय अ कंपनी अंडर सेक्शन 161(a) ऑफ न्यू एक्ट। कोई भी कंपनी दोस्तों एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है 161(1) सेक्शन के तहत। उसके बाद एडिशनल के अलावा दूसरा आ रहा है दोस्तों अल्टरनेट डायरेक्टर्स, वो भी 161(2) है सेक्शन जो है। अ कंपनी मे अपॉइंट इफ द आर्टिकल्स कन्फर सच पावर ऑफ द कंपनी और अ रेजोल्यूशन इज पास। डायरेक्टर इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया फॉर एटलीस्ट 3 months। दोस्तों एक जो है एडिशनल डायरेक्टर हो गया, दूसरा है ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, ये भी 161(2) में सेक्शन में आता है, उसको भी पावर दिया जाता है दोस्तों एक रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है दोस्तों, अगर कंपनी के डायरेक्टर जो है एब्सेंट हैं 3 महीने से ज़्यादा तो वो कंपनी चला सकते हैं। उसके बाद आ रहा है दोस्तों शेडो डायरेक्टर, अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ बोर्ड but has some power to run it can be appointed as a director but according to his or her wish। दोस्तों जो person है जो कि board का member नहीं है but उसको थोड़ा power दिया जाता है कि वो run कर सके या appoint कर सके as a director, वो उसके wish के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, जो person board का member नहीं है but उसको ये power दे सकते हैं कि आप run करें कंपनी को उनके मर्जी के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं, शेडो डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। उसके बाद है दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और रेजिडेंशियल डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स यही हैं डायरेक्टर्स के टाइप्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचा सकूं। और हाँ फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।